अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीपनाश। साड़ियाँ और ब्लाउज आपको मिलेगी, कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ। ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पॉट ब्लेयर में दीपनाश। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की ओर। 21 साल की महिला के साथ गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित महिला की ओर से एडवोकेट पीसी दास कोर्ट में पेश हुए। जैसा कि आप सभी को पता है, इस मामले में एक्स चीफ सेक्रेटरी जितेंद्र नारायण और एक्स लेबर कमीशन ऋषि और रिंकू बेल में बहाल है, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। चलिए जानते हैं इस विषय में पीड़ित महिला के एडवोकेट पीसी दास जी की बात। चालू हो गया बोलो। हाँ, आज के अंदामान एक्स चीफ सेक्रेटरी एगेंस्टे हमारा जो मामला करेछि कैंसिलेशन अफ बेल, সেটা আজকে রেজিস্টার্ড হওয়ার কথা ছিল। ইন দি মিন টাইম গতকাল আন্দামান নিকোবর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল। আন্দামান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 3টে অ্যাপিল ফাইল করছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে এগেনস্ট দ্য লেবার কমিশনার ওরেশি, এগেনস্ট দ্য হোটেল মালিক রিঙ্কু অ্যান্ড এগেনস্ট দ্য এক্স চিফ সেক্রেটারি জিতেন্দ্র নারায়ণ। এই 3টে অ্যাপিল ওরা চাইছে। वो लोग जो मांगता है जो हम लोग का जो विक्टिम का जो SLP क्रिमिनल जो 3 मार्च 2023 में जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड ऑनरेबल जस्टिस हसन अमानुल्ला खान जो स्पेशल लीव परमिशन ग्रैंड किया और उन्होंने शोकॉस किया चीफ सेक्रेटरी को वाई द बेल विल नॉट बी कैंसिल, वो मैटर को साथ ये दोनों अपील टैग होएगा एवं तीनों अपील एक साथ में कैरी होगा। तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से वो लोग मेंशन करेगा और लगता है आफ्टर 4 वीक्स अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से तीनों अपील और मेरा जो अपील पहले जो सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस किया और परमिशन ग्रैंड किया, ये 4 मैटर एक साथ में कैरी होगा। तो हियरिंग के बाद मालूम हो जाएगा जे उसका बेल जो हाईकोर्ट डिविजन बेंच ग्रैंड किया वो बेल अदू कैंसिल होगा कि नहीं होगा। वो चारों मैटर जल्दी सुनानी होगा और हम लोग सुप्रीम में ये भी बता दिया ये एडमिशन का तीनों अपील और हम लोग का एक अपील एक साथ में हियरिंग करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति का तरफ से एडमिशन जो सपोर्ट करेगा हम ये एडमिशन का अपील को सपोर्ट करेगा, उसमें भी एक केस बहुत स्ट्रांगर होगा और बेल कैंसिल होने का बहुत सारा संभावना है। उसी के लिए हम लोग तीनों अपील एक साथ में हियरिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रयास किया था। लगता है आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स का बाद ये मैटर फिर हियरिंग होगा। ये आपका आज तो आपको डेट है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं हूँ निशा नायर, न्यूज आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।